कितना अच्छा होता ना हमें कोई ऐसी चीज़ मिल जाती जो हमें घुटने के दर्द से आराम पहुंचा दे। जोड़ों में चाहे कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से का दर्द हो, घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो या हमारे पैरों की एड़ियों का दर्द हो, इसके अलावा गर्दन का दर्द है, हाथों की कलाई का दर्द है, सारे जोड़ों के दर्द से राहत मिलेगी। आज आपके लिए कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे लेकर आई हूँ, सभी उम्र वाले इस घरेलू नुस्खे का उपयोग कर सकते हैं और 100% रिजल्ट पा सकते हैं। कुछ दिन तक जरूर ट्राई करें, किसी भी रेमेडी को वर्क करने में थोड़ा तो वक्त ज़रूर लगता है। तो सबसे पहले दोस्तों, जो इस घरेलू नुस्खे में तरह तरह की रेमेडी लेकर आई हूँ, उसमें आपको सबसे पहले जो रेमेडी में लेना है वो है गार्लिक। सबके रसोई घर में होता है, एक कली लहसुन को हमें रोज़ खाना चाहिए। चाहे ना तो सुबह उठकर गर्म पानी कर लीजिए, छोटा छोटा लहसुन की कली को काट लीजिए, उसे निगल लीजिए, चबा लीजिए, ऊपर से गर्म पानी पी लीजिए। केवल एक कली रोज़ लेकर देखें आप, बहुत फ़ायदेमंद होता है। लहसुन को लगाना भी चाहिए, लहसुन को खाना भी चाहिए। तो यहाँ पर 4-5 कली लहसुन की ले रही हूँ, जिसे बारीक टुकड़ों में काट रही हूँ, क्योंकि हम जो रेमेडी बनाने वाले हैं ना, इसमें हमें गार्लिक क्लोव्स का इस्तेमाल करना है। लहसुन जो होता है, गार्लिक जो होता है, एक नेचुरल पेन किलर की तरह काम करता है। सूजन को उतारता है, दर्द को खींचने का काम करता है, मांसपेशियों की अकड़न जकड़न से राहत दिलाता है, बहुत सारे पोषक तत्वों से भरपूर होता है। अगली चीज़, अदरक लिया है मैंने, एक छोटा सा टुकड़ा जिंजर का, बिल्कुल छोटा टुकड़ा, जिसे बारीक टुकड़ों में काट लिया है। आप चाहें तो अदरक लहसुन को इमाम दस्ते में डालकर क्रश कर सकते हैं, थोड़ा कूट सकते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। अदरक भी सूजन को उतारने का काम करता है। पैर में कहीं चोट लगी है, मोच आई है, तब भी आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। एक चम्मच मेथी के बीज लेना है, जिसे हम लोग फेनुग्रीक सीड कहते हैं। मेथी के बीज जो होते हैं, ये भी वात रोग को दूर करते हैं। मेथी को खाएं भी, मेथी को लगाएं भी। जी हाँ, आधा चम्मच मेथी को एक गिलास पानी में रात भर भिगा कर रखें। सुबह उठकर छान कर मेथी का पानी हल्का गर्म गर्म पी लें, चाय कॉफ़ी पीने से पहले। हड्डियों के पुराने से पुराने दर्द से आराम मिलना शुरू होगा। थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखें, साथ ही साथ मेरी इस रेमेडी को लगाएं भी। कलौंजी मंगरेल लेना है एक चम्मच, इसे हम लोग ब्लैक क्यूमिन सीड भी कहते हैं, इसे नाइजिला सीड भी कहा जाता है। तो दोनों चीज़ आप बराबरी से ले सकते हैं, मेथी और कलौंजी मंगरेल, ये भी बहुत अच्छा होता है दोस्तों। कलौंजी का तेल बहुत फ़ायदेमंद होता है हमारी हड्डियों के दर्द को दूर करने के लिए। कलौंजी को भी एक चुटकी खाने में रोज़ इस्तेमाल करें। हम लोग कहाँ करते हैं कलौंजी का इस्तेमाल, कम करते हैं। पूड़ी पराठा रोटी के आटे में चुटकी भर कलौंजी डालें, जैसे सब्जियों में राई जीरा डालते हैं ना हम लोग, वैसे ही चुटकी भर कलौंजी डालें। इतने सेहतमंद बीज होते हैं ये। बारीक कटा लहसुन डाला है, 4 कलियाँ, सरसों का तेल डाला है। इसकी जगह पर आप तिल का तेल ले सकते हैं, आप इसकी जगह पर कैस्टर ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे से मिक्स करिए और उसके बाद इस तेल को चाहे तो धूप में रख दीजिए, दिन भर धूप में रखिए, ताकि सारी चीज़ों का इन्फ्यूज़न इस ऑयल में हो जाए। बारिश का मौसम है, धूप नहीं आती है, तो आप डायरेक्ट इसे गैस पर पका सकते हैं, बहुत आराम मिलेगा। मैं यहाँ पर एक चम्मच कैस्टर ऑयल भी इसमें मिक्स कर रही हूँ, जिसे हम लोग अंडी का तेल भी कहते हैं। धीरे धीरे इसमें कैस्टर ऑयल मिला दिया है और ये तेल आप अब आप गैस पे भी पका सकते हैं, गर्म पानी से भरे बर्तन के ऊपर रख सकते हैं, धूप में रख सकते हैं। इस तेल को ज़्यादा भी बना सकते हैं, इस तेल का इस्तेमाल सभी उम्र वाले कर सकते हैं। आपकी उम्र कम है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी उम्र ज़्यादा है तब भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने एक लोहे की कढ़ाई में इस तेल को डाल दिया है, इसको पका लीजिए आप, ताकि सारी चीज़ों का इन्फ्यूज़न अच्छे से इस तेल में आ जाए। मैंने इस तेल को कम क्वांटिटी का बनाया है, आप चाहें तो ज़्यादा भी बना सकते हैं। चलिए, तेल पक रहा है, तब तक के अगली रेमेडी बता देती हूँ। मेथी और कलौंजी को लेना है, पानी में भिगा कर रात भर रख दीजिए। सुबह उठकर इस पानी को अच्छी तरह से गर्म कर लीजिए, छान कर पीजिए। थोड़ा गरम गरम पीजिए, ठंडा नहीं पीना है, इतना गरम जितना आप पी सकते हैं। वज़न कम होगा, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में आएगा, डायबिटीज़ की बीमारी से भी बहुत कुछ आपको राहत मिलेगी। मेथी कलौंजी का पानी तो बहुत फ़ायदेमंद होता है दोस्तों, शरीर में जमी हुई चर्बी बाहर निकलेगी। वात रोग, गठिया, अर्थराइटिस के लिए कलौंजी मेथी का गरम गरम पानी सुबह पीना, खाली पेट पीना रामबाण नुस्खा है। तेल को पकाने रख दिया है, बीच बीच में से चलाती जा रही हूँ। अच्छा बढ़िया खौला लीजिए, तेल को छानना है तो छान लीजिए और फिर तेल का इस्तेमाल करिए। ज़्यादा बनाकर किसी डिब्बी में स्टोर करें, रोज़
सुबह की धूप में बैठकर इस तेल से मालिश करें। बच्चों को कहीं लग गया है, चलते चलते बच्चे गिर गए हैं, घुटना फूट गया है, पैर की एड़ी लचक गई है, मोच आ गई है पैरों में, इस तेल से मालिश करें। जितना हो सके ना दोस्तों नेचुरल चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। और आप सबको पता है ये तेल तो पुराने समय से ही हमारी दादी नानी लोग बनाते आ रहे हैं। मेरे को भी घुटने में कई बार तकलीफ़ होती दोस्तों, मैं 2-3 महीने में जब भी तकलीफ़ उठती है ना मैं इस तेल को बनाती हूँ, मुझे बहुत आराम मिलता है। सुबह की धूप में बैठकर मालिश करने से एक तो हमारे शरीर में विटामिन डी का निर्माण होता है, हमारे शरीर में गर्माहट आती है और गर्मी से ये तेल हमारी हड्डियों तक तेज़ी से पहुँचेगा और अपना काम तेज़ी से करेगा। बढ़िया अच्छा इसे लीजिए, कम से कम 5-7 मिनट तक तेल लेते जाना है और मालिश करते जाना है, तभी तो हमारे मांसपेशियों के द्वारा हमारी हड्डियों तक ये तेल आएगा और हमें आराम पहुंचाएगा। अच्छी तरह से मालिश करें दोनों हथेलियों से, अंगूठे से, जो हमारी घुटने की कैप होती ना ऊपर की, वहाँ भी हल्के हाथों से दबाते हुए मालिश करें। घुटने के पीछे के हिस्से में हमारी नसों का गुच्छा होता है, वहाँ पर भी मसाज करना चाहिए। इससे हमारी नसों में ढीलापन आता है, नरम होती हैं और हमें अकड़न जकड़न से राहत मिलती है। तो परिवार को वीडियो कैसा लग रहा है? यदि मेरे YouTube फैमिली को मेरी रेमेडी पसंद आती हो ना दोस्तों तो प्लीज़ मुझे कमेंट जरूर किया करिएगा, ताकि मैं मोटिवेट होकर आप लोगों के लिए रेमेडी ला सकूं। मेरी सारी रेमेडी बहुत सेफ़ होती हैं और 100% वर्क करती हैं। साथ ही साथ शिखास किचन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों, यदि पहली बार मेरे चैनल को देख रहे हैं। तो देखिए मैं ऐसे इस तरह से इस तेल को मालिश कर रही हूँ। अभी वीडियो को बंद मत करिएगा, बहुत सारी चीज़ें बताने वाली हूँ आपको। इसके अलावा अब आपको क्या करना है, थोड़ा सा आपको अजवाइन पोटली में भर लीजिए, कपड़े की एक पोटली ले लीजिए, उससे सिकाई कर सकते हैं। अजवाइन की जगह आप लोग मेथी का एक कपड़े में बांध लीजिए और गरम तवे पर मेथी की इस पोटली को रखते जाइए और हल्की सी सिकाई करिए। इससे सूजन उतरती है और दर्द को खींचने में हमें तुरंत ही आराम मिलने लगता है, दर्द खींचने लगता है। इस तरह का कोई नी कैप है आप उसे पहन लीजिए या कोई पुराना सूती कपड़ा बांध लीजिए। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर